बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, ये झटपट से बन जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने राइस को बॉयल किया हुआ है ऑलरेडी, इसको मैंने ठंडा कर लिया है। मैंने कच्चे चावल जो लिए थे वो 2 कप लिए थे और उसको मैंने सोक करने के बाद बॉयल कर लिया है, फुली डन किए हुए हैं मैंने और ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं। अगर आपके पास एक दिन पुराने राइस हों तो उससे ये बहुत अच्छे बनते हैं राइस। दूसरी तरफ हमने चिकन लिया है जो कि है 250 ग्राम, मतलब के 1 पाव के करीब है, और इस तरीके से मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, नमक डालेंगे हम 1/4 चम्मच, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें पिसी हुई काली मिर्च जो कि डालेंगे 1/4 चम्मच ही, और कॉर्नफ्लोर जाएगा इसके अंदर 1 खाने का चम्मच, ये मैंने भर के डाला है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और साइड में कर देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो वक में हम डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। अब हम डाल देंगे इसके अंदर कूटा हुआ लहसुन जो कि 3 जवे लहसुन के थे, इसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया था। इसको हम स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन कलर आना चाहिए इसका। अभी लहसुन हमारा स्लाइटली गोल्डन सा होने लगा है, इस स्टेज पर आके हम शामिल कर देंगे मैरिनेटेड चिकन। तो ये चली गई, अब हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और इसको हम स्टेयर फ्राई करेंगे, बगैर ढके हमने इसको पकाना है, क्योंकि चिकन हमारी काफ़ी छोटे पीसेस में है तो ये कुकिंग टाइम जो है इसका काफ़ी कम है, बहुत ही जल्दी से ये गल जाएगी। तो हमने इसको इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा ये गोल्डन कलर में आ जाए। तो बस इसी तरीके से जब तक ये गोल्डन कलर आता है हम इसको चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद देखें चिकन की ये पोजिशन है, थोड़ा सा कलर इसमें आने लगा है गोल्डन सा। तो इसमें हम गाजर डालेंगे 1/2 कप, तो इसको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है लंबा लंबा सा, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गाजर टाइम लेती है गलने में, तो इसको हमने पहले डाला है। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो गाजरों को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया, तो इसमें हम शामिल करेंगे ये फ्रेंच बीन्स जो कि है 1/3 कप, इसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन काटा हुआ है और ये गलने में काफ़ी टाइम नहीं लेगी, सीज़न में यहाँ पे हैं तो मैंने इसको डाल दिया है। आपके कंट्री में अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं, वरना तो मटर भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो इसमें डालना चाहते हैं तो आप डाल दें, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है इन बीन्स का, तो मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए जस्ट स्टेयर फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च जिसको मैंने लंबा काटा हुआ है, 1/2 कप है ये, मीडियम साइज़ की ली थी तो कप में 1/2 कप बनी है ये, तो ये हमने डाल दी है। और अब हम डाल देंगे इसमें बंद गोभी, ये हम डाल रहे हैं 1/2 कप। अब बंद गोभी और शिमला मिर्च डालने के बाद हमने आँच को थोड़ा सा हाई कर दिया है, हाई फ्लेम पे हमने इसको स्टेयर फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद, ताकि ये सब्ज़ियाँ हमारी क्रंची भी रहें, थोड़ी सी गल भी जाएँ और कलर ख़राब ना हो। साथ ही हम थोड़ी सी इसमें हरी प्याज भी डालने लगे हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई, तो ये मुट्ठी भर हमने डाल दी है इसमें। मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। अब तमाम सब्जियों को हमने चिकन के साथ फ्राई कर लिया है, अच्छी तरीके से कुक कर लिया, थोड़ी सी स्पेस बना दी है इस तरीके से हमने ताकि हम स्क्रम्बल्ड एग बना सकें, और आँच को हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया है, ठीक है जी। और इसमें हम शामिल करेंगे अब अंडे, तो ये हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, इसको हम बीट कर लेते हैं। और देखें जी हमने इसको बीट कर लिया है, तो ये हमारे पास जो साइड में जगह है इसमें क्या करेंगे हम तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच हम डाल देंगे इसमें ऑयल, और थोड़ा सा हम ऑयल को गर्म कर लेंगे अभी, और डाल देंगे हम इसके अंदर अंडे। इसमें ना अभी मैंने कोई नमक नहीं डाला, कोई मिर्च नहीं डाली है, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून, और 2 चुटकी हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पिसी हुई। मिक्स कर लेंगे इसे हम, तो देखें इस तरीके से हम तकरीबन 20 सेकंड्स के बाद इसको मिक्स कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से स्क्रम्बल्ड एग्स इसमें बन जाएंगे। आपको कोई पैन लेने की ज़रूरत नहीं है अलग से, इसी में अगर आपकी स्पेस है आप इस तरीके से कर लीजिए, ईजी हो जाता है इससे। अब इन अंडों को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए और मज़ीद कुक करेंगे,
और ये मिक्स कर लिया है हमने और ये स्क्रम्बल्ड एग हमारे हो गए हैं रेडी। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं बस। और अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसमें बॉयल किए हुए राइस, ये डाल देते हैं इसके अंदर हम। आँच को हमने मीडियम टू लो कर दिया है इस स्टेज पर। मिक्स करेंगे पहले तमाम चीज़ों को, फिर हमने उसकी आँच को थोड़ा सा हाई करना है। तो ये चावलों को हमने डाल दिया है इसमें। अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च जो कि है एक चाय का चमचा, आधी आधी चाय का चमचा हमने डाला है। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस प्लस विनीगर, ये हमने एक चाय का चमचा सोया सॉस लिया था, एक खाने का चमचा हमने लिया था सिरका, दोनों को मिक्स करके हमने डाल दिया है। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी आँच को हमने मीडियम टू हाई कर दिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको कुक कर रहे हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए हमने इसको स्टिर फ्राई करना है। और ये देखिए इसमें कितनी अच्छी सी भापें आना स्टार्ट हो गई हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी। अगर आपके पास पुराने बचे हुए राइस हों उससे तो बहुत ही अच्छे बनते हैं ये राइस। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे फ्राइड राइस बनाना तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और एक दिन पहले आप राइस को बॉयल करने के बाद आप इस रेसिपी को बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। बिल्कुल आप लोगों को लगेगा कि हम एक रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। अभी हम इसमें थोड़ी सी और डालने लगे हैं हरी प्याज, ये मैंने मुट्ठी भर डाली है। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर अपना मेन इंग्रेडिएंट जो कि है चिकन क्यूब पाउडर। इससे ना बहुत ही मज़े का ये फ्लेवर आता है इसमें। ये चला गया, अब इसको अच्छी तरीके से हमने 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद मिक्स करना है और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं राइस, इसको ज़रूर ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। और आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, ये हो गए हैं रेडी। तो लीजिए ये है हमारी फाइनल लुक राइस का। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा मेरी इस रेसिपी को। और चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से एक नई रेसिपी में। नई रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।